राजनांदगांव शहर में संचालित राष्ट्रीय कृत बैंक के कर्मचारी आज यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर अपने वेतनमान सहित 12 सूत्रीय मांगों को लेकर दो दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। बैंक कर्मियों की हड़ताल के चलते बैंक बंद है, जिससे जिले में 100 करोड़ रुपए के लेन देन के प्रभावित होने का अनुमान है। बैंक कर्मियों ने भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के सामने धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बैंक संघ के जोनल उपाध्यक्ष के अनुसार सरकार 2017 से बैंक कर्मियों के वेतन पुनरीक्षण समझौते पर निर्णय नहीं ले पा रही है। यह हड़ताल 2017 से हमारा जो वेतन पुनरीक्षण जो करना है वो अब तक नहीं हो पाया है। अब तक 34 बैठकें हो चुकी है, इसके बावजूद किसी तरह के सरकार और आईबीए द्वारा निर्णय नहीं लिए जाने के कारण आज हम हड़ताल पर हैं। उसके विरोध में आज हमें मजबूरन स्ट्राइक करना पड़ रहा है। हम पिछले 24 महीने से वेट कर रहे हैं कि अब वो हमारे मांगों को पूरा करेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि इस वेज रिवाइज करेंगे, तो वो सभी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। इस कारण से हमको बहुत मजबूरी में आज स्ट्राइक करना पड़ रहा है। और जगदलपुर में भी अपनी 12 सूत्र